अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम छोटे कद के लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे और इनके ख्यालात जानेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों के साथ शफकत से पेश आएँ ताकि ये लोग एहसास कमतरी का शिकार ना हों और हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहद है सर। अच्छा जाहद हुसैन, आपका कितनी हाइट है, आप कितना कद है आपका? मेरा सर 4 फुट है। 4 फुट है, तो आप क्या काम करते हैं? सर मैं सेवर फोर्ट पे काम करता हूँ। अच्छा सेवर फोर्ट में काम करते हैं, कितना अर्सा हो गया है? 10 साल हो गए। अच्छा तो तालीम कितनी है आपकी? 8 पढ़ाऊँ सर। 8 पढ़ाऊँ, तो बाकी जो बहन भाई हैं आपके, उनका उनकी जो कद है वो भी आप जितना है? मेरे 3 भाइयों का कद है, हमका एक जितना है और एक का ठीक है, 4 भाई हैं, बाकी बहन भाई ठीक है, बहनें ठीक हैं, भाइयों का कद 3 का छोटा है, 1 का ठीक है। तो मैरिड हैं आप? नहीं सर मैरिड नहीं है। सेवर फूड में रहने का इरादा है कि या कि किसी और जगह से अगर कोई आपको कहता है जी कि यहाँ पर आ जाओ तो आप जाएँगे? नहीं सेवर पर ही सर। ड्रामे वगैरह भी देखते हैं आप? बहुत काम देखता हूँ, कभी देखे नहीं, इतने नहीं देखे। तो घर में क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? घर में कोई भी नहीं, जाके जानवरों के लिए चारा ही बस। अच्छा सेवर फूड में जो लोग आते हैं तो उनका सलूक और बिहेवियर कैसा होता है आपसे? बहुत अच्छा आता है सर, बहुत प्यार करते हैं लोग हमसे। अच्छा उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा मतलब अच्छा सलूक करते हैं? बहुत अच्छा सलूक करते हैं। सुनाएं। चमन चमन उदास है, फूलों में रंग नहीं, उस जिंदगी का क्या मजा जिसमें गम नहीं। वो बाकी आपके जो वालिद साहब थे वो क्या करते थे? वाले साहब सर फौत हो गए, पहले जमींदारा करते थे। अच्छा तो अबाई कौन सा आपका इलाका है? मेरा फैसलाबाद है। अच्छा फैसलाबाद से है? जी सर। तो देखें अभी आपने कहा है कि मुझे एक्टिंग का भी शौक है और मैं कर भी लूँगा, तो कुछ आप करके दिखा नहीं रहे तो फिर नाज़रीन को किस तरह यकीन आएगा कि आप कर लेंगे? सर शौक तो है लेकिन कभी किया नहीं कुछ है? कभी किया नहीं। उस सुल्ताना का डायलॉग सुना दे। मैंने सुल्ताना की मूवी देखी नहीं कितनी। मुस्तफ़ा कुरैशी, वेद मुराद, नदीम सल्ता, वो मुस्तफा कुरैशी का है नवा आया है सोने। हमारे साथ नाज़रीन ताहिर रशीद खड़े हैं और इन ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि ये ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। जी ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताएं कि आपका कद कितना है? मेरा 4 फुट कद है। 4 फुट कद है, तो आप क्या समझते हैं कि छोटे कद की वजह से आपको दुश्वारी का सामना होता है? बहुत ज़्यादा होता है दुश्वारी का, हमारे जैसे बहुत सारे जो हैं उनको भी होता है। तो नाज़रीन को बताएं ना ज़रा किस तरह क्या होता है। काफ़ी सारे जो लोग बिहेव करते हैं उसके बाद हमें रोड क्रॉस करते हुए भी काफ़ी मसला होता है अकेले में, तो बाकी इधर काम पे आने के लिए भी अकेले तो नहीं आ सकते। क्या तालीम है आपकी? मेरी मैट्रिक। मैरिड हैं आप? जी मैरिड हूँ, एक बच्ची है मेरी। तो आपके माइंड में क्या है कि बच्ची को आप क्या बनाना चाहेंगे? बच्ची को टीचर बनाएंगे, पढ़े लिखे की बड़ी। आप एक्टिंग की तरफ आपका रुझान है? एक्टिंग तरफ नहीं है लेकिन ऑफर काफ़ी हुई है। अच्छा तो क्या आप नहीं गए? नहीं। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपको हम कहेंगे कोई ऐसा कोई डायलॉग या ऐसी कोई चीज़ आपको आगे माइंड में है? नहीं फिलहाल। कोई नाज़रीन को जरा कोई सुना दें। अच्छा तो अभी जब आप घर से निकलते हैं तो फिर अच्छा काम क्या करते हैं ये बताएं? मैं जो पार्क में होता हूँ शादी हाल में। तो मज़ीद आपके माइंड में है कि अगर मिसाल के तौर पे बड़े बड़े होटलों पे आपके कद के लोग नौकरियां कर रहे हैं तो अगर आपको कोई इस तरह की नौकरी ऑफर हो तो आप करेंगे? जी बिल्कुल, और अच्छी मिल जाए तो करेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं बड़े कद वाले, तो छोटे कद वाले को मुश्किलात होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं छोटे कद वालों को मुश्किलात होती हैं, और काफ़ी जो है ना देहात से जो लोग आते हैं वो बिहेव करते हैं, नाम वगैरह काफ़ी तंग करते हैं। कुछ ऐसे अच्छे भी लोग हैं काफ़ी सारे जो हेल्प करते हैं, प्यार से बात करते हैं काफ़ी सारे लोग ऐसे, तो बाकी जो है हमारे जैसे लोगों के साथ काफ़ी तयन करें